एंड सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ हमारे वन सिटी सेक्टर 37A ब्लॉक के जो सबसे बड़ा जो पार्क है, यानी कि हमारा जो मेन सेंट्रल पार्क है, आज मैं आपको वहाँ लेके जाता हूँ। चलो, ये वाला पार्क नहीं है क्योंकि ये वाला पार्क तो ठीक हमारे घर के सामने वाला पार्क है और ये जस्ट ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। ये पार्क मीडियम साइज का है। इस ब्लॉक के सबसे बड़े पार्क का रास्ता जाता है लेफ्ट। अब हम टर्न करेंगे यहाँ से लेफ्ट, राइट नहीं करना, लेफ्ट टर्न करेंगे। अब हम यहाँ से लेफ्ट नहीं, अब हम यहाँ से राइट टर्न करेंगे, राइट। जो अब हमारे जो बिल्कुल साइड में है, बिल्कुल लेफ्ट को है, यही हमारा मेन सेंट्रल पार्क जो कि अल्फा ब्लॉक ए ब्लॉक का सबसे बड़ा पार्क। ये वाली रोड वहां पे एंड में जाके बिल्कुल खत्म हो जाती है और ये हमारा देखो पूरा लेंथी पार्क और देखो वो रहा एंड तक वो रहा, यानी कि जहाँ पर ये वाली रोड खत्म होती है वहीं पर ये वाला पार्क भी खत्म हो जाता है। और आप जैसे कि आप देख रहे हो कि पार्क के अंदर वायलेट वायलेट कलर वाले फ्लावर्स लगे हुए हैं, देखो बिल्कुल स्टार्ट से लेके और एंड तक, मतलब कि बहुत अच्छे से डेकोरेट और बहुत अच्छे से परफेक्ट सजा के रखा हुआ है। देखो भाई दूर तक है। जैसा कि देखो भाई इस पार्क की तीन एंट्रेंस है, पहली एंट्रेंस तो ये रही और दूसरी वो रही देखो जो कि सामने आपको दिखाई दे रही है और तीसरी बिल्कुल आगे वो उधर उधर है। इस पार्क की तीन एंट्रेंस है। अब मैं पहुंच चुका हूं इस पार्क के बिल्कुल एंड पे, तो अब बिल्कुल एंड से फ्रंट तक देखेंगे। चलो और यहाँ पर देखते ये है हमारा वन सिटी सेक्टर 37 अल्फा ब्लॉक और ए ब्लॉक का मेन सेंट्रल पार्क। और देखो यार क्या ग्रीनरी है, देखो फ्लावर्स ही फ्लावर्स एंड से लेके स्टार्ट तक और यहाँ पे भी एंड से लेके स्टार्ट तक। हाँ हालांकि लेफ्ट में सिर्फ एक दो तीन ही है, बट यार देखा जाए तो यहाँ पर वन सिटी सेक्टर 37 अल्फा ब्लॉक यानी कि ए ब्लॉक में भाई 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 क्या पार्क है। देखो यार चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, जैसे कि आप सब देख रहे हो, देखो मेरे चारों तरफ देखो 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 देखो। और यानी कि देखो यार यहाँ पर हमारा यानी का मेन पर्पस यही था कि हमें यहाँ पर शुद्ध और अनपोल्यूटेड एयर मिलेगी। और यानी कि अगर एज कम्पेयर टू दिस लोकेशन एंड मेन सिटी रोहतक की लोकेशन कंपेयर की जाए, सो यार वहाँ पर अगर आप शाम को भी वहाँ पर जाते हो या पार्क में घूमने टहलने के लिए जाते हो, सो वहाँ पर भी आपको भले ही वहाँ पर भी पार्क है, लेकिन वहाँ पर इतने बड़े इतने चौड़े और इतने खुले खुले और साथ में इतनी अच्छी लोकेशन के साथ पार्क नहीं है वहाँ पर। इसी ये तो पैसे हैं। और देखो अगर मैं बात करूँ तो इस पार्क के लेफ्ट साइड पे बोरी पानी की टंकी, और मतलब कि ये टंकी अगर बाई चांस कोई भी ए ब्लॉक में एंटर करता है सो सब लोग उसको यही एड्रेस प्रेफर करते हैं कि ये भी टंकी के पास गए रहे, टंकी के पास आ जाओ, टंकी के पास आ जाओ। तो ये बहुत ज़रूरी टंकी है हमारे अल्फा और ए ब्लॉक के लिए। ओके और देखो यार और देखो वो वाले ले लेफ्ट में जो फ्लैट बनने लग रहे हैं, मतलब कि लगभग बन चुके हैं। और वो फ्लैट जैसे हम वन सिटी ए ब्लॉक के अंदर एंटर करते हैं वो फ्लैट तब आते हैं। और राउंड तो देखो यहाँ पे भी देखो वो घर जस्ट अभी बनने लग रहा है लेफ्ट में, थोड़ा वो सेंटर में आते हैं, देखो वो रहे सामने वो वाले फ्लैट्स, ठीक उन्हीं फ्लैट्स के राइट साइड को हमारा घर है। और देखो ये भी घर बन रहे, ये भी घर बन रहे हैं और ये भी घर बन रहे हैं, वो बिल्कुल सामने जो दिख रहे हैं वो भी फ्लैट्स बनने लग रहे हैं। और ये भी घर है, ये भी घर है, बाकी तो घर ही हैं। देखो यार बात बिल्कुल ही सिंपल है, देखो यार फिलहाल पिछले कुछ महीनों से यहाँ पे प्लॉट्स के रेट ऐसे बढ़े हैं ऐसे बढ़े, यानी कि देख लो 100 गज का 40 लाख का मिल रहा है आज, और अभी फिलहाल जो अगले एक दो महीने के लिए और महंगा हो जाएगा वो अलग। ना बताता हूँ देखो यार हमने प्लॉट लिया था 2 से 2.5 साल पहले हमने प्लॉट लिया था, प्लस अगर आज हम प्लॉट लेते हैं तो उस वक्त जो हमने प्लॉट लिया प्लस जो घर बनाया तो आज जो मैं प्लॉट खरीदूंगा उसके बराबर है, इतना महंगा यार।
इस वीडियो को सिर्फ इतना रखते हैं कि होप करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करके जरूर आना। मिलता हूँ अगले ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।